देश में 2 लाख से ज्यादा मस्जिदें विद्यमान हो, उनमें तैयारी क्या हो रही है? दिन रात बोल रहे ला इलाहा इल्लल्लाह, 5 बार बोलते हैं, 5 बार नमाज पढ़ी जाती है और शुरुआत इसी से करते हैं कि कोई नहीं है, ला माने नहीं है कोई भी अल्लाह के जैसा, और मोहम्मद रसूलुल्लाह अर्थात मोहम्मद ही उस अल्लाह का रसूल है, इन दो के अलावा और किसी को हम पूजेंगे नहीं, मानेंगे नहीं। नमाज अलग होती है, ये अजान है। आओ आओ, अपनी नींद को छोड़ करके आओ, बैठो यहाँ। उसके बाद एक मौलवी बोलता है, एक मौलवी के इशारे पर सब झुकते हैं, खड़े होते हैं। उसके बाद वो वहाँ पर आयतों का पाठ होता है, और आयतें हम क्या समझते हैं, जैसे हम मंदिर में घंटा बजाए आते हैं वैसे उनकी नमाजें चल रही हैं। कोई पढ़े, रोजा किस लिए रखा जाता है? रोजा कोई नवरात्रों जैसा व्रत नहीं है, कोई नवरात्रों जैसा व्रत नहीं। आज हम रोजे को नवरात्र के साथ जोड़ रहे हैं। हम नवरात्रों में अपनी माँ दुर्गा की कल्पना करते हैं, उसको जीवन में उतारने की कोशिश करते हैं। जितनी मोहम्मद ने लड़ाई लड़ी थी सारी रोजे के टाइम में लड़ी थी, और सारी की सारी तैयारी करने के रोजा, रोजा इसलिए रखा जाता है कि आप लड़ाई लड़ोगे, जंग लड़ोगे तो भूखा रहना पड़ेगा। एक ही ईश्वर है, एक अल्लाह है, उसके अलावा हम किसी को मानते ही नहीं है। वो अल्लाह के अलावा और किसी को स्वीकार नहीं करेंगे, वो हर स्तर पर करेंगे, वो दाढ़ी रख करके भी करेंगे, वो पैंट शर्ट पहन के करेंगे। कुरान पढ़ोगे, अल्लाह का साफ आदेश है, जो मेरे को नहीं मानता, जो जिब्राइल मिकाइल को नहीं मानता, जो मोहम्मद को नहीं मानता, वो काफिर है, और काफिर वाजिबुल कत्ल है, वो कटने योग्य है। इतना ही नहीं कहा, जब रमजान का महीना खत्म हो जाए इनको घात लगा करके मारो। पढ़ो सूरा तौबा, पढ़ो सूरा अल बकरा, सारी की सारी कुरान की सारी ये आयतें पढ़ करके देखो, आपको साफ स्पष्ट पता चल जाए केवल मुसलमान ही क्यों जाते हैं आज उनके ऊपर। वो वहां से हमारे भाई पैसा भेजते हैं और वहां से वो अपनी सभ्यता को भेजते हैं। उनको कोई एम्बेसी में राजदूत भेजने की आवश्यकता नहीं है कि भारत में आप हमारे अरबी कल्चर का प्रचार कीजिए। ये सारे बढ़ाए हुए दाढ़ी, ये सारे ऊंचा पजामा और नीचा कुर्ता पहन करके सारे वहां से सीख करके आते हैं और अपने आप यहाँ पर आकर के सिखाते हैं। याद रखो, मिट्टी का ये धर्म और आबरू भी जाएगी, तुम्हारे नाम से दुनिया को शर्म आएगी। यदि आज नहीं जागे तो कोई हमारे बचाने वाला नहीं है। ये नमाज खिलाफत का मिनी ट्रायल है। ये नमाज इसलिए कहता है कि एक खलीफा बैठाएंगे और उसका राज चलेगा। ये पहले भी हमारा देश आजादी के लिए जूझ रहा था और सारा मुस्लिम जगत खलीफा। ला इलाहा इल्लल्लाह 5 बार बोलते हैं, 5 बार नमाज पढ़ी जाती है और शुरुआत इसी से करते हैं कि कोई नहीं है, ला माने नहीं है कोई भी अल्लाह के जैसा, और मोहम्मद रसूलुल्लाह अर्थात मोहम्मद ही उस अल्लाह का रसूल है, इन दो के अलावा और किसी को हम पूजेंगे नहीं, मानेंगे नहीं। नमाज अलग होती है, ये अजान है। आओ आओ, अपनी नींद को छोड़ करके आओ। सब झुकते हैं, खड़े होते हैं। उसके बाद वो वहाँ पर आयतों का पाठ होता है, और आयतें हम क्या समझते हैं, जैसे हम मंदिर में घंटा बजाए आते हैं वैसे उनकी नमाजें चल रही हैं। बिल्कुल गलत सोच है, उनको प्रॉब्लम हमारी
कीजिए।